गाइस ये रहा मेरे पास एक पेपर, तो अभी से करता हूँ ऑन। ओ भाई साहब देखिए गाइस क्या मस्त जो इसकी आवाज है, यहाँ पर आप देख सकते हो। हेलो फ्रेंड, तो कैसा आप? तो गाइस यार गर्मियों का मौसम चल रहा है और भाई साहब गर्मी काफ़ी ज़्यादा जो है तेज पड़ रही है, तो उसमें क्या होता है मतलब यार सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लाइट कट हो जाती है, मतलब लाइट वाले लाइट भगा देता है। तो इसमें क्या होता है मतलब हम सोते रहते हैं या घर का जो है छोटे बच्चे होते हैं वह सोते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मी लगती है। तो गाइस यार आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा छोटा सा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाने वाला हूँ जिसे कोई भी अपने घर पर बड़ी आसानी से बना लगा और वो इतना ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। मतलब आप जो है उसे धूप में रख देना और थोड़ी देर और वह ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा और आप जो उसे बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी मस्त उसके हवा है और काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और काफ़ी मस्त ये वीडियो होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को लाइक करके और जो अभी नए चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ इस तरीके का गत्ता का, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस ये गत्ता कहाँ का खुद आप देख लो। तो गाइज हम जो चुड़िया वाला बैडमिंटन जो खेलते हैं इस तरीके की, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, चुड़िया हमारे यहाँ तो चुड़िया बोलते हैं, आप कमेंट कर बताना है इसे क्या बोलते हैं। तो उसका जो है मैं बॉक्स लेने वाला हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल लंबा का लंबा है और खाली है, तो ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं और गाइज मैं यूज़ करने वाला हूँ इस तरीके की एक सोलर पैनल का, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 5 वोल्ट की है, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसका वोल्ट है एंड काफ़ी बड़ी भी है, तो काफ़ी अच्छा रहेगी ये भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके वायर जुड़े हुए हैं। तो गाइस जिसे हमें कुछ इस तरीके से रखना है एंड हमें देखना है कि कितनी बड़ी जो है हमें बनानी है, तो इस तरीके से इसको रखकर जो है हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा जो है टेपर में रखने वाले हैं ताकि ये धूप जो है इस पर डायरेक्ट इस तरीके से पड़े। तो चलो गाइस इसे इतना कट करते हैं, तो आप इतने वीडियो में एंड तक बने रहे, काफ़ी तगड़ा ये प्रोजेक्ट होने वाला है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से इसको जो है टेपर में हमने जो है कट कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हम जो है कुछ इस तरीके से इसको रखकर, और ये रही हमारी सोलर पैनल, यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये जो है कुछ इस तरीके से लगने वाली है। यहाँ पर अगर मैं आपको सीध में से दिखाना चाहूँ तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है लगी है, मतलब थोड़ी सी ऊपर की साइड है, तो आप जो है इतनी भी कर सकते हैं, इतनी भी कर सकते हैं, मैं जो है इतनी इसको जो है रखने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ स्ट्रिंग की बोतल का, यहाँ पर आप देख सकते हो, आप जो है दूसरी बोतल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये हमारे काम के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। ये किस लिए अच्छी रहेगी, इसकी जो गर्दन है ये काफ़ी लंबी है इस तरीके से, और हम यहाँ पर इसे इस तरीके से रखकर और जो है इस तरीके से इसे जो है कट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे यहाँ से जो है कट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से बोतल को जो है कट कर लिया है, तो हमें जो है सिर्फ इसकी जो है ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये जो है बिल्कुल सीधा कटा है, अब इसे हमें थोड़ा सा टेपर में कट करना है जिस तरीके से हमने ये कट किया है। तो चलो गाइस इसे भी जल्दी से टेपर में कट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये बोतल जो है इस तरीके से सीधी थी, तो हमने इसे थोड़ा सा टेपर में इस तरीके से कट कर दिया और हमारी सोलर पैनल जो है कुछ इस तरीके से इस पर लग जाएगी और हमारा मोटर जो है इधर लगने वाला। तो गाइस हम मोटर का कौन सा यूज़ करने वाले हैं इस तरीके का मोटर का, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके काफ़ी ज़्यादा जो हाई RPM है और काफ़ी अच्छे से ये जो है मोटर काम करता है। और गाइस ये जो है इसके अंदर काफ़ी अच्छे से जो है इस तरीके से फिक्स भी आ रहा है, मतलब थोड़ी सी टेप लगकर और काफ़ी अच्छे से ये लग जाएगा। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ इस तरीके का ऑफ ऑन स्विच का, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का, आप जो है बैंड स्विच का भी यूज़ कर सकते हो और पुश स्विच का भी यूज़ कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हमने छोटी सी यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पर मार्किंग कर दी है कुछ इस तरीके से, ये हमारा स्विच जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगने वाला है। तो चलो गाइस इसे कट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ इस तरीके की 2 लैपटॉप बैटरी का, यहाँ पर आप देख सकते हो, आप जो है एक का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसके बैकअप बढ़ाने के लिए 2 का यूज़ करने वाला हूँ और इसे जो है पैरेलल में कनेक्ट कर दूँगा, इसका प्लस प्लस एक जगह और माइनस माइनस एक जगह। और गाइस इसकी तगड़ी सी हवा खाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ इस तरीके की एक बड़ी काफ़ी साइज की जो है प्रोपेलर, यहाँ पर आप देख सकते हो, और आप इस मोटर से इसका कंपेरिजन लगा सकते हो मतलब कितनी बड़ी है, और इसकी हवा काफ़ी ज़्यादा जो है मस्त होने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ इस तरीके के ग्रीन कलर के LED का और इस तरीके का IN4007 के डायोड का। तो चलो गाइस अब इनके जल्दी से कनेक्शन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन कंपोनेंट का हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलो गाइस इसे जल्दी से इसके कनेक्शन करते हैं और फिर इसकी मज़ेदार सी टेस्टिंग करते हैं, तो आप इतने वीडियो में एंड तक बने रहे, काफ़ी मज़ा आएगा इस वीडियो में। We'll be right back.
दिन की मेहनत करने के बाद ये हमारा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइस ये रहा हमारा प्यारा सा प्रोजेक्ट। और गाइस क्या तगड़ा लुक जो है इसका आ रहा है, क्या मस्त चीज जो है लग रही है, क्या मस्त जो है चीज बनकर तैयार हुई है, एकदम मस्त जो है लग रही है। तो चलो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग से पहले इसके धूम में टेस्टिंग करते हैं किस तरीके से काम करता है। गाइस यहां पर आप देख सकते हो हम जो है धूम आ चुके हैं इसे टेस्ट करने के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारी एलईडी जो है ग्लो हो रही है धूम में। और देखे गाइस इसका हाथ लाते ही आगे देखे गाइस बंद हो चुके हैं, हाथ हटाते ही ऑन हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे से ग्लो हो रही है ग्रीन कलर की एलईडी। यहाँ पर आप देख सकते हो हाथ लगाता हूँ देखे गाइस बंद और यहाँ से ऑन हो चुके हैं। और देखे गाइस कुछ इस तरीके से यह जो है काम कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो आप जो इसे धूम में 4 से 5 घंटे चार्ज कर सकते हैं बढ़िया से दोनों सेल जो है फुल चार्ज, और बाद में जो इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा ये प्रोजेक्ट है, आप जो इसे कहीं पर भी ले जाकर और इसका यूज कर सकते हैं। मतलब जिस तरीके से गांव में लाइट वगैरह भाग जाती है और जो है लाइट नहीं आती, तो आप इसे चार्ज कर और अपने छोटे घर के बच्चों के धोरे जो है रख सकते हैं। मक्खी नहीं लगेगी, मच्छर नहीं लगेगी, गर्मी भी नहीं लगेगी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? चलो आप इसकी जल्दी से टेस्टिंग करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी बटन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करो। तो गाइस ये रहा मेरे पास एक पेपर, तो अब इसे करता हूँ ऑन। ओ भाई साहब देखे गाइस क्या मस्त जो इसकी आवाज है। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी से बंद करता हूँ। देखे गाइस आप पेपर देखे कहाँ पर है, और देखे गाइस इसे ऑन करता हूँ और देखे कहाँ उड़ उड़ के जा रहा है। देखे गाइस कुछ इस तरीके से, और आप जो है इस तरीके से अंदाजा नहीं लगा सकते, तो आप मेरे जुल्फों से अंदाजा लगा सकते हो मस्त जो इसकी आवाज। यहाँ पर आप देख सकते हो बंद करता हूँ, देखे गाइस कुछ नहीं, और देखे क्या मस्त जो इसकी हवा है। तो एक बार इसके आपको साउंड सुनाता हूँ। काफी अच्छे से हमारा फैन जो है काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब इस तरीके से आवाज नहीं कर रहा, और जो है अपने बच्चों के धोरे जो है रख सकते हो, इस तरीके से आवाज नहीं कर रहा और जो है बिल्कुल नॉइस कम है। मतलब ये परेशान भी नहीं करेगा, मतलब जिस तरीके से घड़ घड़ बड़ बड़ जो है करते हैं पंखे, इस तरीके से नहीं करेगा। देखिएगा बिल्कुल मस्त हवा है इसकी। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप भी इसे बनाकर और इसका जो है यूज कर सकते हो, और धूम में जो है इसमें चार्ज जो है कर सकते हो। और गाइस आप इसमें एक फीचर और डाल सकते हो, मतलब जिस तरीके से आप घर में हो, मतलब धूप नहीं निकल रही, बारिश का मौसम है या धूप निकल रही, तो आप जो इसके अंदर एक फीमेल जैक जो है लगा सकते हो, तो काफी अच्छा रहेगा। आप जो है अपने मोबाइल के चार्जिंग से भी इसे चार्ज कर और इसका यूज कर सकते हो। तो काफी अच्छा है, यह सोलर फैन है और आप जो इसे गर्मी वगैरह में यूज कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको ये प्रोजेक्ट कितना अच्छा लगा और कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, बाकी आप भी इसे बनाकर और इसका जो है यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफी मजा आया होगा। अगर आप एंड तक आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।